हो गया ना? हाँ। ऑर्डर। हाँ ठीक। कहाँ जा रही है? खैर मेरे लिए जरूरी नहीं। ऑर्डर। एक्शन। खैर मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जरूरी ये है कि घर में मेहमान आने वाले हैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। डॉक्टर विशाखा आने वाले हैं। तुम्हें तो टैगलाइन दी थी उनके प्रोग्राम, क्या था वो? बच्चे का प्यार हर माँ का अधिकार, याद आया? नेति बेटा शायद तुम्हें पता है, तुम्हारे ससुर जी वो काफी सारे इंजीनियर्स को मिले। आज वही लोग आने वाले, उनका एनजीओ खास करके उन महिलाओं को मदद करता है जो मां नहीं बनी। अब ये बात तुम और मैं शायद नहीं समझ सकते। मुझे दो दो बच्चे हैं, तुम मां बनी हो, लेकिन कुछ औरतें होती हैं बदनसीब, कुछ बड़ी मां उनके नसीब में मां बनने का सुख। रुको, कहाँ जा रही है? ये बात जरूरी नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट ओके ऑर्डर। डॉक्टर विशाखा यहाँ भूल गए? तुम्हें भी पता नहीं है क्या था? बच्चे का प्यार हर माँ ने तो बेटा शायद डॉक्टर तुम्हारे ससुर जी काफी सारे तुम्हारे ससुर जी काफी सारे मेहनत से काम कर रहे हैं। इस बार जरूरतमंद महिलाओं के लिए अब ये बात तुम्हें तो अपनी और मुझे बतानी नहीं है। अब ये बात तुम्हें और मुझे बतानी है क्योंकि मुझे भगवान के यहाँ से बेटे बच्चे कुछ माँ बनते हैं, कई इनको छोड़ते होते हैं, उनके नसीब में माँ बनने का सुख। नॉट फेयर मॉम, जीजी माँ आपको ऑफिस में हेल्प करती है तब मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और आज जब डैड की एनजीओ की मीटिंग थी घर पे तो भी आप जीजी माँ को ही कह रहे हो। अब नहीं मॉम, अब जीजी माँ आप जाइए, आप जहाँ जाइए।
आज मीटिंग भी मैं ही अटेंड करूँगी, गेस्ट को भी मैं ही देंगे, सारे काम ऐसे ठीक है ना मॉम? मीटिंग भी मैं ही देंगे ठीक है ना मॉम? थैंक यू मैम, मैं जीजी मैम को बाहर पे ठीक करा दी, फिर सारे काम सब इस बार उनका एनजीओ गरीब महिलाओं को जो बहुत जरूरत है उन्हें मदद करता है, खासकर उन्हें जो कभी मां नहीं ये बात शायद तुम और मैं नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान की दया से तुम मां बने, लेकिन कुछ अभागी औरतें होती हैं जिन्हें माँ बनने की सोच नहीं। नॉट फेयर मॉम, जीजी मैं आपको ऑफिस में हेल्प करती है, तब मैं घर पे बैठे बोर हो जाती हूँ, और आज जब डैड की एनजीओ की मीटिंग है घर पे, तो मैं अब जीजी मॉम को कह रही हूँ। देखिए बेटा, नहीं मॉम, अब जीजी मॉम जाइए अब जहाँ जा रही थी। मॉम आज सारे गेस्ट को मैं देखूँगी, मीटिंग में भी मैं बैठा ठीक है ना मॉम? प्लीज ठीक, थैंक यू मॉम, मैं जीजी मॉम को बाहर छोड़ कर आती हूँ, फिर सारे काम से चलिए। आप आ रहे थे, रुक जाइए, ये देखा इधर रोकी हुए, रुको रहने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो तुम लोग, वो मॉम जी रहने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कहाँ जा रही थी। देखा उन्होंने बोला, उन्होंने कहा तुम कैसे जाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें हुई, कितने में लो रिएक्शन में से एक्शन, उसने इशारा किया वो कुछ करते हुए ये बातें की वो नहीं 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 और मैं जानू ना जिसने मुझे इतनी बात की है, प्लीज 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 देखो अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं करना क्यों नहीं है अभी निकले हो तो मैं जो ओके बच्चे का हर हमारे इस पर
ट्रॉली राइड ले केवल हटे ने प्लान किया है कि वो जीजी माँ और जीजू को डेट पर भेजेंगे, तो हम बस भेजने ही वाले होते जीजी माँ को कि आप जाइए जीजू को वर्कशॉप से पिक करना। तो जितने में उत्तरा देवी आ जाती है, उत्तरा देवी रोक देती है और कहती है कि घर पे एनजीओ की मीटिंग है, गायनकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। तो मैं फिर बात पलट देती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमेशा जीजी माँ वर्क करती है और मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, तो आज मैं बैठूँगी और जीजी माँ जहाँ जा रही है उन्हें जाने दो। तो इस तरह से नीति भेज देती है जीजी माँ को डेट पर। पर एनजीओज किस कारण के लिए घर पे आए हैं और मतलब जीजी माँ को लेकर कुछ? हाँ, क्योंकि उत फाल्गुनी का जो यूट्रस निकला होता है, जो पहले ट्रैक में दिखाया गया है, तो भूल गई क्या बोल रही थी मैं, पहले ट्रैक में क्या था कि फाल्गुनी का यूट्रस निकला है। हाँ, तो पहले ट्रैक में ये दिखाया गया था कि फाल्गुनी का यूट्रस निकाला जाता है, उत्तरा देवी ने ये पूरी साजिश की है। लेकिन अब जब सारे गायनेकोलॉजिस्ट है और डॉक्टर सोनाली जिन्होंने फाल्गुनी का ऑपरेशन किया था वो भी आई है और ये कहने के लिए आई है शायद कि उनका यूट्रस निकला है नहीं निकला है, उसका थोड़ा डाउटफुल है। पर नियति के नज़रिए से देखो तो नियति के लिए तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था अपनी जीजी माँ का, पर नियति को कहीं ना कहीं डाउट है, तो वो डॉक्टर सोनाली को पूछना चाहती है कि वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन था या किसी और का था। तो बेसिकली सीन ये है, नियति का प्लानिंग फुल ऑन चल रहा है, पर क्या प्लान करेगी अब? हाँ, मतलब नियति चाहती है कि कैसे इतने सारे लोगों से एस्केप करके वो डॉक्टर सोनाली को पूछे कि क्या चीज़ का ऑपरेशन था। तो आगे और क्या ड्रामा देखने मिलने वाला है जीजी माँ में?
आगे का तो मैंने रीड ही नहीं किया अब तक, टाइम ही नहीं मिलता है, बट हाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे ऐसे ऊपर ऊपर से सुना है मैंने. ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 जीजी माँ देखिए 7:30 बजे स्टार भारत पे मंडे टू सैटरडे. थैंक यू.